डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ। फिर उसके बाद बोलेंगे सर कॉलेज तो मिला ही नहीं। रुक जाओ भाई, जरा ध्यान सुनो, डरना नहीं है, अभी भी हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पर एनालिसिस आप सभी लोगों को ये बात पता है, ठीक है। अच्छा कौन कौन बच्चा अभी भी 11वीं से परेशान है पहले ये बता दो। हाँ सर कॉलेज मिलेगा, देखो आते ही सबसे पहले, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ कट ऑफ नाउ, वट टू डू नाउ, क्या करना है कि ये नहीं सोचना है। तो जो ये लीचड़पंथी वाली जो हरकत है ना कि सर 120 में कौन सा कॉलेज, जिन्होंने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी, मैं बता रहा हूँ फिर से आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे सर कॉलेज तो मिला ही नहीं। मैंने कहा और सोच ले, पहले तो डिग्री भी छाप ले घर पे बैठ के, जॉब भी ले ले, पहले पढ़ना मत, पहले ये कर ले और बाद में तू पेपर दे लेना, ठीक है। तो पहले जरा ये समझ लेना फिजिक्स का पेपर आपका मेजोरिटी ईजी था। मेजोरिटी क्यों बोल रहा हूं, नॉर्मली इजी क्वेश्चन जो होते हैं 6-7 के आसपास होते हैं, बाकी मॉडरेट होते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन आपको आसान कैटेगरी के मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और फिर आपके मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि ये टफ कैटेगरी में भी आपके हो, एक आध क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन में हो सकते हैं, कंसेप्चुअल में भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ रुक जाओ भाई, जरा ध्यान सुनो, बोर्ड्स या एडवांस मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं पहले, ठीक है। एवरेज स्कोर आप सभी लोगों का अगर आप देखें 80 से कम वाले कंपैरेटिवली कम है, उस रेंज में ज्यादा है, एवरेज स्कोर बढ़ गया है, ठीक है। ये अब खतरनाक चीज भी है, लेकिन इससे नेगेटिवली और सर ने हमको डरा दिया, अब हम क्या करें। डरना नहीं है, अभी भी हमें तैयारी कंटिन्यू रखनी है। एवरेज स्कोरिंग इज इंक्रीज्ड, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सर मेरे तो 100 से कम आ रहे, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है ना भाई इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव यहां से सोच बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप आराम से कर ले जाएंगे, आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप तैयारी कर ले जाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है जो लेवल को थोड़ा अप करे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं फिजिक्स की बात करूं, कोई भी ज्यादा बड़ा खतरनाक डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अब आएगा हमारा एडवांस में, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट विल बी कंपैरेटिवली टफ, ठीक है। हाँ पर मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अच्छा सारे बच्चे मेरे हिसाब से अगर किसी ने, सही बता रहा हूं, 2 साल एक शिद्दत से तैयारी करी है ना, शिद्दत से तैयारी करी है,
उनको 45 मिनट्स के आसपास फिजिक्स इतनी तो हो गई होगी जो उनको आती थी, 45 से ज्यादा बोल रहा हूं, 30 मिनट्स में आप इतना तो कर गए होंगे कि यार 12-13 सवाल आपके लग गए होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर प्रेशर है, परफॉर्मेंस में बिगड़ गए सवाल आते आते, टेस्ट देने के लिए। मैं वही कह रहा हूं यार, तो अभी मैं एक सवाल प्रयास वालों से भी पूछा था, अभी आपसे पूछूंगा, देखना जो समझदार होगा उसको इशारा काफी होगा। यस, है ना। तो सारी चीजें जब आपको पता ही है, गड़बड़ हो कहां रही है, एक बार रुक के जरा एक बार ये सोच लीजिए ना। 30 मिनट के आसपास आप, मैं ये नहीं कह रहा आपने सारे सवाल लगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रेटेजी बताता कि पहले आप एक बार क्वेश्चन जो भी सामने आए उसको क्वेश्चन को देखते चलिए, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं वो निपटाते चलिए। अगर आप फिजिक्स के भी वो निपटाते जाओगे 10 क्वेश्चन आप आसानी से निकाल ले जाओगे, 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स तो यहाँ आ गए, ऐसी 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में डायरेक्ट थे भाई, 40 मार्क्स वहां आ गए, 80 हो गए। मैथ्स में तो 20 भी आता 100 मार्क्स का स्कोर, वही छोड़ देता पेपर यार, नहीं खाता नेगेटिव तू, तब भी 100 आते। इसीलिए कह रहा हूं एवरेज स्कोरिंग बढ़ेगी, और ये प्रयास वालों ने भी बोला है, आपने भी बोला है, दैट मींस बच्चों को लगा है कि यार 80-90 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे सर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए चिल्ला चिल्ला के गला फट गया था हमारा बोलते बोलते कि भाई ध्यान सुनना, लालच में मत पड़ना, जितना आता हो उतना तमीज से करके आ जाना। अब बात आ रही है सेकेंड अटेम्प्ट हमारे पास टफ क्यों, जो बच्चा कह रहा था ना मैथ्स में सर टाइम नहीं मिला, बेटा फिजिक्स ने आपको इतना टाइम निकाल के दिया है, केमिस्ट्री ने आपको इतना टाइम निकाल के दिया है कि मैथ्स का जो इजी और मॉडरेट है वो आप कर ले जाए। अगर आपने जबरदस्ती फिजिक्स में भी टाइम लिया और केमिस्ट्री में भी टाइम लिया तो ऑब्वियस सी बात है आपने कॉम्पिटिशन में आप पहले ही हट गए पीछे, क्योंकि सारे बच्चे फिजिक्स में कम टाइम ले रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे भाई डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि एग्जाम, हाँ देखो अभी नेगेटिव मार्किंग पर भी आ रहा हूँ, ठीक है, आपको ये चीज समझनी चाहिए थी कि उतना ही टाइम में आपको करना है ना, आप 3 घंटे से ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और एक्यूरेसी साथ में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकेंड अटेम्प्ट आपका कंपैरेटिवली टफ होने वाला है सभी लोगों का, आप में से कई सारे होंगे जिनको 11th बैकलॉग होगा, जिनका 12वीं में प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अब सारे बच्चे अपने आप को करेंगे, एक तो झटका मिल ही गया, अब सारे बच्चे तैयार करेंगे, प्रयास वालों के पास भी टाइम है, ड्रॉपर के पास भी टाइम है, 12th वालों के पास भी टाइम है, तो अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ होगा, यू हैव टू स्कोर मोर टू गेट अ गुड परसेंटेज, ये होगा ही होगा, हमेशा ये देखा गया है। आप सारा डेटा निकाल के देख लीजिए, सेकेंड अटेम्प्ट कंपेरेटिवली स्कोर करना मुश्किल होता है, परसेंटाइल इंप्रूव करना मुश्किल होता है। अगर आज आपकी कुछ परसेंटाइल है इसमें आपको ग्रोथ बहुत मेहनत करने के बाद दिखनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि अब आपने अगर आलस करा, अब आपने कामचोरी दिखाई, तो भाई साहब इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ। और मैं ये, आप मेरे को बोलो कि सर आप हमको धमका रहे हो, डरा रहे हो, डराना जरूरी है, क्योंकि आपको समझना है कि इस 60 दिनों के बाद शायद आपको ये गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। आपने खूब गलतियां कर ली 2 साल, आपने खूब डांट सुन ली हमसे कि सर ये भी, इसके लिए भी डांट खाली, इसके लिए भी डांट खाली, इसके लिए भी डांट खाली, अब क्या बचा, अब तो हम लीड हो चुके हैं, अभी भी तुम्हें डांट पड़ती रहेगी अगर तुम नहीं सुधरे तो। ये 60 दिन में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा।